करने वाली है। दावा किया जा रहा है कि हमास के पास अभी भी ऐसे कमांडर और लड़ाके बड़ी संख्या में मौजूद हैं जिन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया था। दावा किया गया है कि हमास का ऐसा ही एक हवाई कमांडर गजा में मारा गया है। यह हमास का ऐसा कमांडर था जिसने कोल्ड ड्रिंक पी पीकर इसराइलियों को मारा। टारगेट पर नेतन्याहू, मार दिया कमांडर वाडिया। जिस वक्त पूरे इसराइल में बंधकों की रिहाई को लेकर नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे थे, ठीक उसी वक्त नेतन्याहू ने हमास के उस कमांडर को ठिकाने लगवा दिया है जिसने पैराग्लाइडर के जरिए 7 अक्टूबर 2023 को 22 से ज्यादा इसराइलियों को तड़पा तड़पा कर मार दिया था। गाजा युद्ध को लगभग 350 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन ना तो हमास सरेंडर करने को तैयार है और ना ही नेतन्याहू जंग रोकने को तैयार है। हम आपको आज गाजा युद्ध की उस खूनी जंग का खौफनाक चेहरा दिखाने जा रहे हैं जिसमें पिछले 24 घंटे में 37 से ज्यादा लोग अकेले गाजा में ही मारे गए हैं। मारे गए 37 लोगों में हमास के 8 ऐसे लड़ाके हैं जिनके टारगेट पर सिर्फ नेतन्याहू थे। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि हमास के पास 300 वर्ग किलोमीटर नहीं बल्कि 1500 वर्ग किलोमीटर इलाके के बराबर सुरंगें मौजूद हैं, जहां से अभी भी हमास के लड़ाके भयानक तरीके से इजरायली सेना, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों पर हमला कर रहे हैं। हमास को अच्छी तरह से पता है कि अगर जंग रुक भी गई तो भी नेतन्याहू चुन चुन कर हमास के लड़ाकों को मारते रहेंगे। यही वजह है कि हमास आखिरी दम तक इजरायली सेना से जंग करना चाहता है। हमास की इसी सोच और मिशन को इस वक्त गजा में मौजूद 1.5 लाख इजरायली सैनिक बुरी तरह से कुचल रहे हैं। पहले आप ये जान लीजिए कि पिछले 24 घंटे में हमास का कौन सा कमांडर गजा शहर में मारा गया है। हम आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं कि गजा शहर में क्या हुआ है। इजरायली सेना के दावों के मुताबिक गजा शहर के अल अहली अस्पताल के पास मौजूद हमास के अड्डे पर इजरायली सेना और शिनबेत ने मिलकर भयंकर हमला किया। दावा किया गया है कि इस हमले में हमास का कमांडर अहमद फावजी नासिर मोहम्मद वाडिया मारा गया है। खबरों के मुताबिक कमांडर अहमद फावजी नासिर मोहम्मद वाडिया के चारों तरफ इसराइल की खुफिया एजेंसी शिनबेत ने जाल बिछाया था, जिसके बाद शिनबेत और आईडीएफ ने मिलकर गाजा शहर में मौजूद अल अहली अस्पताल पर हमला किया। इसराइल सेना के जेट और घातक मिसाइलों से हुए घातक हवाई हमले में कमांडर अहमद फावजी नासिर मोहम्मद वाडिया समेत कई हमास के लड़ाके मारे गए हैं। रिकॉर्ड तोड़ हवाई हमला गजा टू वेस्ट बैंक। इजरायली सेना इस वक्त गजा से लेकर वेस्ट बैंक तक ताबड़तोड़ हमले कर रही है। जमीन और आसमान से इतने खूंखार हमले किए जा रहे हैं कि ईरान, मिस्र, तुर्की, लेबनान, यमन हर दिन इसराइल को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन इधर खबरें ये भी आ रही हैं कि नेतन्याहू ने अपने टॉप कमांडरों को साफ समझा दिया है कि अगर हम सीज फायर करते हैं तो हमास को दोबारा जिंदा और अपनी ताकत हासिल करने का मौका मिल जाएगा। इसलिए इजरायली सेना ने पिछले 8 दिनों से गाजा और वेस्ट बैंक में हमले तेज कर दिए हैं। जरा देखिए पिछले 24 घंटे में इजरायली सेना ने क्या कोहराम मचाया है। इजरायली सेना का सबसे बड़ा हमला और ऑपरेशन गाजा शहर में अल अहली अस्पताल के पास हुआ है, जिसमें कमांडर अहमद फावजी नासिर मोहम्मद वाडिया मारा गया है। हमास के इस कमांडर के बारे में दावा किया जाता है कि इसी कमांडर ने अपने लड़ाकों के साथ मिलकर 7 अक्टूबर 2023 को 22 इजरायली नागरिकों को बुरी तरह से मारा था। इजरायली सेना का दावा है कि कमांडर वाडिया हमास की दाराज तूफा बटालियन में नुकबा अल कंपनी का कमांडर था। 7 अक्टूबर को कमांडर वाडिया पैराग्लाइडर के जरिए गाजा सीमा से इसराइल में घुसा था। पैराग्लाइडर के जरिए घुसते ही इसने अंधाधुंध हमले शुरू कर दिए थे। इसराइल के मुशाव नेतिव हासारा में घुसते ही इसने और इसके लड़ाकों ने 900 लोगों की आबादी वाले कस्बे पर भयंकर हमले शुरू कर दिए थे
उस वक्त इसका एक वीडियो खूब वायरल हुआ था। कमांडर वाडिया ने इजरायली तासा परिवार के घर पर भी हमला किया था। वहां फ्रिज से कोका कोला पीते हुए इस कमांडर ने पूरे घर का सफाया कर दिया था। यहां तक कि उस नरसंहार का वीडियो भी इसने फिल्माया था। कमांडर वाडिया और उसके साथियों ने मिलकर 12 साल के कुरेन, 8 साल के शाय और उनके पिता 46 साल के गिल ताजा की हत्या की थी। पहले बच्चों के सामने पिता की हत्या की गई और फिर बाद में बच्चों को मार दिया गया। احتلال الإسرائيلي قام باستهداف هذا المركز مركز نماء في منطقة شارع أحمد ياسين أسفر هذا الاستهداف عن عدد كبير من المصابين جل المصابين حالتهم خطيرة جدا وهناك ما يقارب شهيدين تم انتشالهم والعدد مرشح للزيادة قوات الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة تستهدف بشكل مباشر مراكز اللواء ومراكز النزوح في قطاع غزة بشكل عام لكن يعني لحد هذه اللحظة كما تشاهدون يعني طواقم الدفاع المدني وطواقم الخدمات الطبية تقوم بالبحث عن مصابين أو ناجين من تحت الأنفار. इधर इजरायली प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू ने 2 सितंबर को दो टूक कह दिया है कि वो किसी भी कीमत पर जंग नहीं रोकेंगे। नेतन्याहू ने गजा के दक्षिणी किनारे पर फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से इजरायली सैनिकों को हटाने से साफ इनकार कर दिया है। नेतन्याहू ने एक बार फिर से हमास को जड़ से खत्म करने का ऐलान कर दिया है। השליטה בציר פילדלפי היא חשובה והיא אתגר מבצעי חשוב נגד ההברחות וההתעצמות. हालांकि हमास के लड़ाके अभी भी आखिरी जंग के जरिए इसराइल से मुकाबला करने की कोशिश में जुटे हैं। जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। इजरायली मिसाइल का धमाका कितना जबरदस्त है। गजा के नुसीरात में इजरायली मिसाइल का यह हमला अचानक हुआ था। जबरदस्त धमाके से कैमरा दूर जा गिरा, जबकि धमाके के बाद सैकड़ों लोग इमारत के आसपास देखे जा सकते हैं। दावा किया गया है कि इस धमाके में 27 से ज्यादा लोग मौके पर मारे गए। मलबे में लाशों को खोजते सैकड़ों लोगों को देखा जा सकता है। इजरायल का यह हमला अगस्त के आखिरी दिनों में हुआ था। लेबनान के हिजबुल्ला लड़ाकों ने इसराइल के क्रियात शमोना शहर को 70 रॉकेट धमाकों से दहला दिया है। सीरिया बॉर्डर पर भी इसराइल को खतरे के सिग्नल मिले हैं। अब इसराइल को डर है कि कहीं चौथे फ्रंट ना खुल जाए, लेकिन बड़ी खबर याहिया सिनवार की सुरंग से आई है जो बेहद चौंका देने वाली है। रॉकेट से दहल गया इसराइल। क्रियात में आईडीएफ हेडक्वार्टर पर हमला। नसरल्ला के कत्यूशा ने मचाया कोहराम। सिनवार के टनल वॉरियर एक्टिव। दिखाया नरक शाप। एक घंटे के भीतर 65 रॉकेट धमाके। इसराइल का किरियात शमोना धुआं धुआं हो गया। धमाके हिजबुल्ला फाइटर्स ने किए। निशाने पर इसराइल का बेस था। कत्यूशा रॉकेट की प्रहार से हिजबुल्ला ने आईडीएफ के सैन्य ठिकाने को तबाह करने का ऐलान किया है। वह इसराइल ने दावा किया है कि हिजबुल्ला के रॉकेट अटैक को मजबूती से जवाब दिया गया है। ज्यादातर रॉकेट को हवा में ही तबाह कर इसराइल ने आग बुझाने का मिशन भी शुरू कर दिया है। हिजबुल्ला लड़ाकों के दागे गए रॉकेट रिहायशी बस्तियों में भी फटे हैं। हालांकि किसी भी तरह के जानी या माली नुकसान की खबर अभी तक नहीं आई है, मगर इसराइल का क्रोध लेबनान फ्रंट की जगह गजा में दिखने लगा है। गजा में जलते रॉकेट की आंधी थमने का नाम नहीं ले रही। बारूदी गुबार से ढकी गजा सिटी रह रहकर आग की लपटों में घिरती है। चीख पुकार मचती है और फिर इमारत काला खंडर बनती है। जमीन पर टैंक के गोले जलजला ला रहे हैं। आसमान से बरस रही मिसाइलें मौत बांट रही हैं।
हमास लड़ाके आमने सामने के युद्ध में कहीं टिक नहीं पा रहे, मगर जो युद्ध हो रहा है, दिखाई दे रहा है, ये जंग उतनी भर नहीं। असल लड़ाई जमीन के नीचे शुरू हो चुकी है। सुरंग में बैठे हमास की खूंखार पलटन भीषण पलटवार कर रही है। अपने बिलों से निकलकर हमास के स्लीपर सोल्जर कैसे कोहराम मचा रहे हैं, उसकी बस एक झलक देखिए। सुरंग से दबे पांव निकलते हैं हमास के बम स्क्वाड। इजराइल की फोर्स को करीब जाकर दहलाते हैं सिनवार के आत्मघाती हमलावर। इस घातक और विध्वंसक हमले का तोड़ अब तक नेतन्याहू की सेना तलाश नहीं पाई है। हमास के अकेले सुरंग वॉरियर्स के मुकाबला करने के लिए इजराइल को कितनी ताकत लगानी पड़ रही है, उसका सबूत ये वीडियो है। खबरें लगातार जा रही है, रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए।